टू वॉच दिसबर चैनल करियर ए प्लस हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी नेवी अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मर्चेंट नेवी में क्या काम किया जाता है इसके लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं सैलरी बेस क्या होता है और फ्यूचर स्कोप्स क्या होते हैं सो लेट्स स्टार्ट शिपिंग कंपनी में पैसेंजर शिप ऑयल रेफ्रिजरेटेड शिप गुड्स कैरियर शिप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है मर्चेंट नेवी का काम इनके ऑपरेशंस और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है इसमें टेक्निकल टीम और क्रू की रिक्रूटमेंट्स बड़े स्केल पर होती है अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज में जो माल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका मैनेजमेंट मर्चेंट नेवी करती है बेसिकली मर्चेंट नेवी का काम होता है जनरल कार्गो इंडस्ट्रियल गुड्स ऑयल टैंकर्स केमिकल टैंकर्स, लिक्विड कार्गो लाइफ स्टॉक्स गैस एक्सेट्रा को सी के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना ये तो बात हुई मर्चेंट नेवी के काम की अब हम देखते हैं कि कौन सी फील्ड में जा सकते हैं या फिर इस फील्ड में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपके ट्वेल्थ क्लास में साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सिक्सटी परसेंट मिनिमम होना चाहिए आपको अनमैरिड होना चाहिए और आपकी एज सेवेंटीन से ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बीच में होना चाहिए इनके साथ साथ आपको कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होंगी जैसे आई साइड सिक्स बाई सिक्स हाइट वन सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर्स वेट फिफ्टी के जीज चेस्ट सेवेंटी सेवन टू एट्टी टू सेंटीमीटर्स मर्चेंट नेवी में आप टेंथ या ट्वेल्थ के बाद जा सकते हैं टेंथ के बाद आप नियर कोस्टल वोएज एन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज डी कमर्शियल डाइविंग जीपी रेटिंग में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के सेकेंड ईयर में उसके लिए दो तरीके हैं बी मरीन इंजीनियरिंग बी एस सी नोटिकल साइंसेज बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग बीटेक हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग बीटेक शिप बिल्डिंग मरीन केटरिंग इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं अगर आप ट्वेल्थ के बाद मर्चेंट नेवी में टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे आई एमयू सी टी ये एग्जाम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अलग अलग यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नेक्स्ट है जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम इंडियन ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है नेक्स्ट है मेरी एंट्रेंस एग्जाम मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम ये मरीन फील्ड में बैचलर्स डिग्री करने के लिए कंडक्ट किया जाता है टी एम आई एस ए टी ये एग्जाम बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट किया जाता है इनके अलावा शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी करती है आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं मर्चेंट नेवी के लिए जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उसके बाद मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं पहला इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच से सिक्सटी परसेंट होना चाहिए और सेकंड इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा हो उसमें भी सिक्सटी परसेंट होना चाहिए जब आप मर्चेंट नेवी का कोर्स कर लेते हैं तो आपको प्री सी की ट्रेनिंग दी जाती है सिक्स मंथ टू वन ईयर की मर्चेंट नेवी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं, जैसे डेक ऑफिसर इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर ई टी ओ इंजीनियर रेटिंग्स रेटिंग्स आर स्किल्ड सी फीयर हु ऑफिसर्स विद डेली टास्क केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी क्रू डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सैलरीज भी होती हैं और सैलरीज कंपनी पर भी डिपेंड करती हैं जनरली ट्रेनिंग पीरियड से लेकर कैप्टन जो कि हाईएस्ट पोस्ट है उसकी सैलरी 25,000 से 2 लाख के बीच होती है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको और किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में जानना है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश सब्सक्राइब टू आवर चैनल करियर ए प्लस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग